65,000 मास्क अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे ये में बंटवाए। डीएम से पूछे, सीएम से, डिप्टी सीएम से पूछे तो बोले कि नहीं नहीं जाना है, कोई गड़बड़ी बाढ़ में पाया जाएगा तो सब आप समझिए कि तुरंत तुरंत कार्रवाई होगी। तो व्यक्तिगत कारण थोड़ा हम थे स्वाभिमानी आदमी है, जीत गया तो पहले दिन नीतीश जी सबसे ज्यादा बधाई, सबसे पहला बधाई नीतीश जी दिए, और जेडीयू को एक करने में भी मेरा योगदान है। बड़े को जितना जो सीनियर लीडर है अपने पार्टी को उतना इज्जत नहीं देना, मेरे बेटा से भी वो 8-10 साल छोटा होगा, मेरे बेटा से भी वो 8-10 साल छोटा होगा। नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। चुनावी मंथन में आज हम मौजूद हैं बाढ़ विधायक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह जी के पास। आज हम इनसे जानते हैं बिहार की राजनीति के बारे में, कोरोना काल के बारे में, और आने वाले आगामी 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, क्या रणनीति है, और कैसे जनता के बीच जाएंगे और अपने मुद्दों, अपने एजेंडा को रखेंगे और पुराने विकास की बातों को रखेंगे, और कैसे वहाँ की जनता को अपने तरफ कर पाएंगे, आइए हम इनसे ही जानते हैं। सर, नेशन 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। सर, कोरोना काल में कितनी आपके क्षेत्र विधानसभा, जो बाढ़ विधानसभा क्षेत्र है, कितना कार्य कर पाए आप कोरोना काल में? देखिए, कोरोना काल में ज्यादा फर्स्ट तो सैनिटाइज वगैरह बाढ़ जो नगर परिषद को जी का सैनिटाइज करवाए, उस बाद 65,000 मास्क अब पूरे नगर परिषद से लेके गांव तक 65,000 मास्क अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे ये में बंटवाए, और जहाँ जहाँ कुछ मजदूर वगैरह और कहीं खाने की दिक्कत थी या कुछ गरीब थे, खाने की दिक्कत थी, नहीं मिल रहा था, वो भी कहीं वहीं से अरेंज करके, लॉकडाउन था, कहीं बहुत जा नहीं सकते थे, नहीं कहीं कहीं से अरेंज करके वहाँ लोगों के पास भिजवाए। अब बहुत जो गरीब लोग बाढ़ पटना में थे, बाढ़ के जिनकी मजदूरी खत्म हो गई, जो रेंट के घर रेंट देने के लिए नहीं था, उस सबको भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको 1,000 रुपया और 16 किलो अनाज हम खुद अपनी गाड़ी से जाके जहाँ जहाँ थे उनको अपना गाड़ी से अपना बॉडीगार्ड वगैरह लेके अपना वहाँ लेके पहुँचाए सबको। अपने क्षेत्र का ही नहीं, क्षेत्र के अलावा भी हमको पेपर में पढ़े, दानापुर में एक महिला बहुत ही थी, एक परिवार बहुत बस महिला भी बीमार थी, बेटी भी बीमार थी, कुछ खाने का नहीं था, ट्यूशन पढ़ा के चलाती थी करती थी, उसके लिए भी हम यहाँ से कम 30-40 किलो अनाज और उसके इलाज का 2,500 रुपया और प्लस उससे डॉक्टर उक्टर को बोल दिए उसके सारी इलाज की व्यवस्था, जो बाद में बाद हम पूछे भी नहीं कौन कहा कि ये, बाद में पता चला कि सहरसा वर्षा साइड के हैं। तो कितना बार सर आप कोरोना काल में अपने क्षेत्रों का दौरा कर पाए और कितने लोगों को सहायता कर पाए पूरी तरह? देखिए, हम तो दौरा तो दर्जनों बार गए क्षेत्र में, लेकिन बाद में लॉकडाउन में तो जा नहीं सकते थे, शुरू में तो लॉकडाउन में तो परमिशन भी नहीं था, डीएम से पूछे, सीएम से, डिप्टी सीएम से पूछे तो बोले कि नहीं नहीं जाना है, फिर बीच में जो लॉकडाउन फ्री हुआ उसमें फिर अपना जाना आना शुरू किया, शादी विवाह मरनी हरनी सेवा इस सब में भी गए, और सबसे बड़ी चीज़ हम करवाए वहाँ बाढ़ में, जो शायद हमको लगता है बिहार के किसी कंस्टिट्यूंसी में हुआ होगा, करीब 19-20 हजार कार्ड हम एडिशनल बनवाए वहाँ, और कार्ड हम खोज खोज के लोगों को कहाँ कहाँ गरीब लोग हैं अपने कार्यकर्ता के माध्यम से, ये के माध्यम से सबको मंगवाए, सबको ये करवाए कि सबको फॉर्म भरो, भरवा के हम सब अपने ये करके सब SDO से बात करके SDO के यहाँ भिजवाए सब, और सबकी जाँच हुई हुई या हुए होके जितना बनना चाहिए था कार्ड, ऐसे नॉर्मल कोर्स में बनता उसे दुगना तिगना कार्ड बना, तो अगर 20,000 कार्ड बना तो 20,000 पचे 1,00,000 आदमी का एवरेज 5 रखिए, 5 पर एक परिवार में 5 आदमी, तो 1,00,000 आदमी को फायदा हुआ अनाज उसमें, तो इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है, एक आदमी 1,00,000 आदमी को फायदा हुआ और प्लस उतना आदमी आयुष्मान से जुड़ गया, जुड़ जाएगा 5,000 का फ्री इलाज, उतने आदमी को 5,00,000 का फ्री इलाज हो गया, तो इससे बड़ा काम तो कोई कर ही नहीं सकता। आई हम अपने मेरा जो अपना ये था सब अफसर लोग को ये करके एक मॉनिटर करके एक एक करके और हर गांव प्रखंड पंचायत से लेके मुखिया से लेके सबको हम लगाए कि आप अपना अपना देखिए कहाँ छूटा हुआ है कार्यकर्ता, किसका किसका कार्ड नहीं बना, नगर परिषद में भी बाढ़ है, नगर परिषद में भी 2,500-3,000 कार्ड नया बना, वहाँ भी छूटा हुआ था, वो सब भी कुछ लोग गरीब लोग थे उसका बना, तो इस तरह से समझिए कि काफ़ी काम हुआ, प्लस प्रशासन से डेली कॉन्टैक्ट में रहे,
कि कोरोना के जांच वगैरह में तेजी आया, सब ये में आया, सब ज्यादा सब वार्ड वगैरह में हम डेली मॉनिटर करते थे, सीओ वीडियो एसडीओ से अच्छी के साथ करते, वीडियोग्राफी के साथ फोटो के साथ करते थे, सीओ को डेली भेजते थे कि वीडियोग्राफी फोटो सब भेजिए मेरे यहाँ कि कैसे कोरोना में लोग ये आइसोलेशन वार्ड में या क्वारंटाइन में कैसे रह रहा, कैसा खाना मिल रहा, क्या मिल रहा। सीओ वीडियो का काम था डेली हमको ये करना, मोबाइल पर डेली भेजना वहाँ से, हाँ कि ठीक उससे भेजना, तो उससे डर भय भी पैदा होता है कि विधायक जी अपना ये कर देंगे, अपने कार्यकर्ता से भी हम पूछवाते थे कि क्या ये है। कोरोना सेंटर क्वारंटाइन सेंटर में भी सब जगह मास्क भिजवाए, नर्सिंग होम था सब जगह नर्सिंग होम में मास्क भिजवाए सब जगह, तो वो सब लोगों से डर भय, फिर अनाज सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, एक एक एस डी ओ को इस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर सबको बोल दिए थे कोई गड़बड़ी बाढ़ में पाया जाएगा तो सब आप समझिए कि तुरंत तुरंत कार्रवाई होगी। दो बार आप जदयू से जीते, एक बार बीजेपी से जीते। जदयू से बीजेपी की ओर बदलाव का वजह? देखिए वो तो पॉलिटिकल कारण व्यक्तिगत कारण था, उसको अभी विकास इसका कोई लेना देना नहीं है, तो व्यक्तिगत कारण थोड़ा हम थे स्वाभिमानी आदमी है, हमको कोई किसी चीज का ठेस पहुंचा, हमको किसी बात से ठेस पहुंचा ये करके कि हमको लगा कि मेरा स्वाभिमान मेरे इज्जत प्रतिष्ठा में थोड़ी बाधा उत्पन्न हुई है, बाकी मेरा कोई नहीं कोई स्वार्थ नहीं था। जदयू में कहीं ना कहीं आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा? हाँ ठेस पहुंचा, उसके बाद हम अपना आरजेडी में जा नहीं सकते थे, तो अपना हमारे चैनल के माध्यम से वो ठेस बता सकते हैं? नहीं ठेस सब व्यक्तिगत, हम वो बहुत पहले की बात हो गई 5 साल ऊपर हो गया, अब सबसे हो गया संबंध बढ़िया, नीतीश जी हम जीत के आए थे, हराने का जो भी रहा जीत के आए थे, पहले दिन नीतीश जी सबसे ज्यादा बधाई, सबसे पहला बधाई नीतीश जी दिए जीत के आए तो, और बाद में तो आना जाना सब संबंध हो गया, हमको भाजपा और जेडीयू को एक करने में भी मेरा योगदान है जी। भोज करवाए सबको भाजपा में, नीतीश जी को कहे कि आप भोज दीजिए, आप खाली विरोधी को भोज नहीं दीजिएगा, विपक्ष को खाली अपने गठबंधन को भोज दीजिएगा, फिर हम लोग भोज करवाए एक जगह, फिर सब सारे एमएलए को भाजपा के एमएलए को, भाजपा उस समय विरोधी पार्टी में थी विपक्ष में थी, वो वहीं पर सुशील मोदी भी थे, बोले कि नीतीश जी बोले कि अरे ज्ञानू जी कह रहे हैं भोज वगैरह के लिए क्या आप लोग तैयार हैं, तो बोले कि अरे ज्ञानू जी का हो गया तो हो गया। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं और लगातार मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जाते हैं, पर कहीं ना कहीं विपक्ष यूपीए जो है उसमें कुछ ना कुछ सही नहीं है, क्यों क्या लगता है? देखिए ये सबका हालत बहुत बुरा है, ये सबको कहीं धरातल पर कुछ नहीं है, ये सब सोचता अपना खानदानी पॉलिटिक्स में आए हैं कि अब लालू जी के बेटा हैं बस उतना ही है, बाकी स्वभाव में एरोगेंसी, बड़े को जितना जो सीनियर लीडर हैं अपने पार्टी को उतना इज्जत नहीं देना, ये नहीं करना, ये सब थोड़ा देखिए विशाल हृदय लेना पड़ेगा, अभी बच्चा है, अभी मेरा बच्चा है, हम लोग तो एकदम बच्चा ही समझते हैं, चूँकि मेरे बेटा से भी वो 8-10 साल छोटा होगा कम से कम, वो तो हम तो बच्चा ही समझते हैं और उस तरह से, लेकिन थोड़ा अभी सीखने का समय है, अचानक डिप्टी सीएम जो मिल गया ना, तो डिप्टी सीएम मिल गया तो आदमी को दिमाग जो होता है उसी तरह से ये हो जाता है, हम एमएलए हुए थे सीधे हम बन जाते हैं, हम भी कुछ बड़ा चीज़ बन जाते हैं डिप्टी सीएम, हो सकता है मेरा दिमाग भी हो गया ये हो जाता, तो उपेंद्र कुशवाहा बने सीधे डिप्टी जी लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिए, पहली बार एमएलए बने लीडर ऑफ अपोजिशन, जिस पोस्ट पर कर्पूरी ठाकुर और बड़े बड़े लोग रहे उस पद पर ला दिए, तो हो गए कि हम डिजर्व करते हैं, ये नहीं हुआ कि हम इनके चलते बन गए, नहीं हम डिजर्व करते हैं। मांझी जी का जो बोल है, मांझी जी का धीरे धीरे बदलाव दिख रहा है एनडीए की तरफ, यूपीओ से मोह भंग हो रहा है, क्यों क्या कारण? क्योंकि मांझी जी सरल आदमी है, सीधे आदमी है, वो हमको लगता है वो तेजस्वी को नेता मान के और उनके साथ रहना उनके लिए संभव नहीं है, हमको तो कहेंगे कि आ जाए अपना ज्वाइन कर लें इधर एनडीए ज्वाइन कर लें। इस बार कौन कौन से मुद्दा को लेकर आप अपने बाढ़ क्षेत्र में जाएंगे लोगों के बीच? देखिए मेरा बाकी लोगों को मुद्दा खोजना पड़ेगा, नया नया सब बहुत अच्छी की तरह उग गए हैं सब कैंडिडेट, रोज देखते हैं फेसबुक पर कैंडिडेट पैदा होता है, कोई एक आध दर्जन किसी का नहीं, गाँवों में 200 वोट नहीं है, गाँवों में 200 वोट लेने का ये कैपेसिटी नहीं है, नेता ये हो गए। अरे हम लोग ये करके कि बाढ़ में हम गए थे पहली बार एमएलए लड़ाई से लड़ने गए थे एमएलए का, ढीबरी जैसा बल्ब कभी जल गया सप्ताह में तो जल गया, कुछ नहीं था बाढ़ में, रोड नाम का कोई चीज नहीं था, सड़क नहीं था, पूरा बेलची तो ऐसी टापू था,
आप कहीं रोड से नहीं, गाड़ी से नहीं जा सकते थे, आपको घूमना है तो हम लोग को एक दिन 10-15 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, महानी नदी पार करवाता था। तो सुरेंद्र यादव बेचारा बहुत मेरा ये था, आदमी भक्त है बहुत मेरा, वो कंधा पर ले जाके हमको पार करवा देता था वहाँ, उस पार से उस पार। ये हालत था, कहीं भी कुछ नहीं, हॉस्पिटल कहीं कुछ था ही नहीं, बाढ़ में एकदम समझे कि ये था। जाते के साथ हमने पहला काम किया, दो काम पहला किया, और रोड जो पटना से आप जाते थे ना वहाँ रोड, तो आपको लग जाएगा कम से कम पटना से बाढ़ पहुँचने में 3-4 घंटा लग जाता था वहाँ, इतना रोड था ही नहीं, गड्ढा ही था खाली। पहला काम किए हम कि बिजली में सुधरवाए, बिजली में मैं चुका, क्योंकि मेरा ब्यूरोक्रेसी में मेरे दोस्त भी सब है ब्यूरोक्रेसी में, हमको हमको जरूरत नहीं पड़ता है कहीं और ऊपर में कहने का, जो अफसर है बिजली बोर्ड में चेयरमैन है MD है सबको बोल के 6 महीना में हम कम से कम 14-15 घंटा बिजली का व्यवस्था, जो जितना मुजफ्फरपुर कमिश्नरी में नहीं रहता था उससे बढ़िया बेटर व्यवस्था हम बाढ़ में बिजली का किए। अब बाढ़ में फिर बाद में पलका साहनी हमारी SDO भी थी बाढ़ की, MD रही, तो पलका साहनी से हम करवा दिए 25 मेगावाट फिक्स करवा दिए वहाँ के लिए, तो पूरे बिहार में बिजली कट जाएगा लेकिन बाढ़ का बिजली भी ड्रॉ नहीं होगा, बाढ़ का बिजली उतना फिक्स हो गया, बिना MD के ऑर्डर का नहीं होगा, इसलिए बाढ़ रहता था। उसके बाद देखे कि सब स्टेशन वहाँ बेलछी साइड में इधर से लाइन जाता था, बीच में लोग डिस्टर्ब कर देते थे, बाढ़ फुटिंग ये पर बेलछी में सब स्टेशन बनवाए, पूरे बेलछी में जो बिजली तार तो कुछ तो था नहीं, कहीं नहीं था बच्चे का, कहीं नहीं था अपना, उस सब जगह पूरे तार ये फर्स्ट वो सब पूरे टेंडर हुआ पूरे पटना कमिश्नरी का, लेकिन हम पहला काम करवाए बेलछी में, पहला काम बार फुटिंग पर बेलछी में सब स्टेशन बना के पूरा टाल एरिया में तार बिजली ये करवाए। उसके बाद हम लगे रोड पर, ये रोड पर संभवतः उस समय हो गए राजकुमार सिंह हो गए रोड सेक्रेटरी, RK सिंह जो अभी मिनिस्टर है, तो RK सिंह से बहुत पारिवारिक बहुत ये संबंध था मेरा। रोड अभी भी सही नहीं है, अभी तो भरा रहा, अभी तो उसको हो गया सही नहीं है, उसका भी बताएंगे क्यों सही नहीं है जी। तो उसको बनाना था सेंट्रल गवर्नमेंट के NH पड़ता था, लेकिन RK सिंह से हम कह के कि सेंट्रल से बाद में पैसा लीजिएगा, हमको अभी बनवा दीजिए इस रोड को। ये रोड और 5 करोड़ का 5 करोड़ लागत से 6 करोड़ लागत से बनवाए थे जो हरनौत बेलछी हरनौरी वाला रोड, जो बाढ़ तक जो रोड बेलछी से खोरा होकर आती है, ये रोड बनवाए थे, दो रोड बनवाए, तो दोनों उधर से भी चला उधर से भी काम चला हो गया। तो और समझिए कि सब स्टेशन एक उधर सब स्टेशन बनवाए हम अपने शायद एक कंस्टिट्यूंसी में सब स्टेशन बिहार में इतना शायद कहीं होगा। एक हो गया आपको बिहारी बीघा में, एक दूसरा बेलछी में हो गया, तीसरा बेड़ना में हो गया, चौथा चक्सरवर में हो गया, और पांचवा पंडारक में हो गया। ये नया सब स्टेशन बनवाए, 5 सब स्टेशन नया बनवाए जो बाढ़ में पहले नहीं था। बाढ़ अपराध के मामले में चरम पे है, आप जानते हैं कि हमेशा कोई ना कोई बड़ी घटना घटती है। पहले डेवलपमेंट पर ले लीजिए, पहले डेवलपमेंट पर कर लीजिए ना। तो वो बिजली में हो गया, रोड में अभी देखिए रोड इतना करवाए कि महाने नदी पर 3 पुल बनवाए। रामनगर एक गांव मेरा दियारा में है, बस ओनली वन गांव, 40-50 करोड़ रुपया एक गांव पर खर्च किया है। वहाँ एक गांव के लिए पुल बनवाए, एक गांव के लिए रोड बनवाए, 5 करोड़ का वाटर सप्लाई बनवाए, कितना कम्युनिटी हॉल बनवाए, कितना अप्रोच रोड अंदर का रोड बनवाए, करीब करीब हमको लगता है 30 करोड़ रुपया का कटाव का, 30 करोड़ रुपया का ये लगवा कटाए रामनगर में कटाव का करवाए। और कम से कम पानी टंकी भी जितना वाटर सप्लाई एक गाँव में बड़ा बड़ा गाँव में सब 5-5 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, उतना आप घूम लीजिए पूरे बिहार के कंस्टिट्यूंसी के, तो किसी कंस्टिट्यूंसी में नहीं होगा। हम चैलेंज करते हैं कि जितना बड़ा बड़ा गांव में यहाँ पानी टंकी वाटर सप्लाई करवा दी हम शुरू में, अपना जल नल ये हुआ है तब तो दूसरा हो गया, वो सब अब कहाँ बन रहा है पानी टंकी वाला, वो हम जितना बड़ा बड़ा गाँव में है सब में करवा दिए, वो समझिए कि होगा करवा दिए होगा 100-150 करोड़ का। बाढ़ में टोटल पानी का टोटल नगर परिषद एरिया में टोटल पाइप बोरिंग टंकी टोटल चेंज करवा दिए, टोटल वहाँ 15 करोड़ रुपया लगा सब चेंज करवा दिया। बाकी अभी उमानाथ मंदिर का टेंडर हो गया है, उमानाथ मंदिर में बहुत बढ़िया सुसज्जित काम ये काम होगा, अब टेंडर हो गया, आप जल्दी काम लगेगा। बाढ़ का सारा रोड करवा दिए, जितना बाढ़ नगर परिषद का जितना रोड गली था अब बच गया है, एगो खाली ढेलवा गुसाई वाला रोड उसका भी टेंडर हो गया, उसका भी टेंडर हो गया, वो काम हो जाएगा। बाकी थोड़ा बरसात में पटना में भी प्रॉब्लम है, सब जगह प्रॉब्लम है, दरभंगा आप पूरे बिहार में फ्लड में पानी उनी जम जाता है, उसका निकासी का अब अगले बार एगो काम रह गया खाली,
कि बाढ़ में जो जल जमाव होता है उसके निकासी का काम हम अगले चुनाव के बाद उसका कोई ऐसा टाल में निकासी का व्यवस्था करेंगे कि बाढ़ का पानी का निकासी का व्यवस्था हम करवा ही देंगे, वो भी हो ही जाएगा। वही एगो काम बचा है, स्टेडियम वगैरह हो ही गया है बाढ़ में, बाकी समझिए कि रोड वगैरह का कोई ये नहीं है, सारा रोड करीब करीब ये बन गया आपका। देखिए इधर हरनौत से लेके बाढ़ तक कितना बढ़िया रोड बन गया, तो इस तरह से हर क्षेत्र में हॉस्पिटल वगैरह में भी बहुत काम हुआ है। राणा बीघा में नया हॉस्पिटल PHC करवाए, करजान का हॉस्पिटल का रिनोवेशन सब करवाए, सब ये करके वहाँ का करवाए, बहुत सारा उपस्वास्थ्य केंद्र बनाए, बहुत सारे स्कूल +2 हुआ। तो हर क्षेत्र में आज़ादी के हम गारंटी देते हैं, आज़ादी का 60 साल में जितना काम हुआ होगा ना उससे 10 गुना 20 गुना काम हम करवाए हैं अपने 15 साल के पीरियड में। अपराध पे क्या काम हुआ बाढ़ से? अपराध में पकड़ा रहा जो भी हुआ, नहीं अपराध में एक गोली वहाँ मारा, उसको मर गया तुरंत देन एंड देयर। हम अपने तो पहुँचे कि सीनियर SP को बोले कि जाइए, रूरल SP को जाइए, तुरंत कीजिए, तुरंत पकड़ा गया सब है दोनों। दो एक बार गोली एक गोली का उसका इलाज भी करवाया हम यहाँ पर, नहीं ले कर रहा था गोली निकालने के लिए, पहले इतना पैसा चाहिए दे दीजिए तब इलाज हॉस्पिटल में करा था, उसको फोन करके डब्बालिक के हॉस्पिटल के इलाज करवाया। आज तो देन एंड देयर आप पता कीजिए कि दोनों RS पूरा RS हो गया, कुर्की जब्ती हुआ और एक वो RS हो गया, दूसरा आई तो दूसरे का जो गोली मारा जो मर गया वहाँ, तो अगले ही दिन या परसों होके सब टोटल अरेस्ट हो गया। इसलिए होता अब कार्रवाई होगी, तेजी से कार्रवाई हो रही है, तो थोड़ा उसके बाद से थोड़ा सा शांति है। एक दूगो किया वो बदमाशी, तो एक दूगो किया तो पूरा पुलिस लग गया, सीनियर SP अपने दौड़ा हुआ कहे तो दौड़ा हुआ गया, रूरल SP को कहे भोरे उठ के गया। SP का हम इसलिए पोस्टिंग करवाए बाढ़ में, सब टोटल चाहता है इलेक्शन के समय में, आपको टोटल बिहार का सर्वे कर लीजिए। MLA चाहता है कि जो दरोगा से DSP बना हो ना, जैसे कहे वैसे करे। हम मेरा वो नहीं है, मेरा शुरू से चीफ मिनिस्टर का एक ही काम कहते हैं हम कि मेरे यहाँ IS SDO दीजिए, IPS ASP दीजिए, समझ गए ना सर। ज़्यादातर वही हुआ है, ज़्यादातर आप उठा के देख लीजिए तो IS SDO रहा है, IPS ASP बाढ़ में रहा है। मेरे समय में कुछ ही नहीं मिला तो कुछ हो गया अपना, ये कुछ बीच बीच में SDO नहीं मिला कोई अफसर तो क्यों चला गया, नहीं तो हम IS IPS को ही ये देखते हैं कि इसलिए कि लाइन ऑर्डर ठीक रहे, करप्शन कब हो ये हो मेरा ये नहीं। तो सब MLA सोचता है कि अरे IS IPS तो सुनने नहीं करेगा, मेरे बातें नहीं सुनेगा, हम कहा ला IS IPS के ले जाए। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर से कहते हैं कि चाहे जिस कास्ट का दीजिए, कास्ट से हमको मतलब नहीं है, हमको IS IPS अफसर दीजिए जो अच्छा उनका काम करना है। चुनाव आयोग चुनाव कराने जा रहा है, बहुत सारी पार्टियां हैं जो कह रही है कि नहीं अभी चुनाव नहीं होना चाहिए कोरोना के कारण, आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? देखिए ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, इसको तो आप बहुत टाल नहीं सकते हैं। हाँ कोरोना ऐसा कोई अगर नहीं कंट्रोल हुआ दिन रात और ऐसा बढ़ता चला गया तो दूसरी चीज़ है, नहीं तो अगर कंट्रोल, हमको लगता है कि सितंबर तक, अब चुनाव तो नवंबर में ना होना है, मे भी हम समझते हैं कि डिमांड है तो उसको इलेक्शन कमीशन जरूर देखेगी कि JDU और भाजपा दोनों कही है कि 1-2 फेज में चुनाव हो। तो 1-2 फेज में चुनाव होगा तो हमको लगता है कि जो 25 को दुर्गा पूजा है और 15 को दिवाली, नवंबर को दिवाली है, तो ये बीच सबसे भी टाइम बचता है 2 फेज में चुनाव करने के लिए, रिजल्ट सब इतना दिन में हो जाएगा। तो आप नोटिफिकेशन अभी नहीं करके अक्टूबर में नोटिफिकेशन कर सकते हैं। हमको लगता है जिस तरह से लगे हुए है, सरकार लगी हुई है, नीतीश जी लगे हुए हैं, बढ़िया प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को बढ़िया बेस्ट जो अफसर होता है जो उसको उनको दिए हैं, प्रधान सचिव बनाए हैं, तो वो मेहनत बहुत कर रहे हैं। काम में भी ये आई है 900 डॉक्टर की तुरंत बहाली, तुरंत ये हो गया, अब कुछ कई हजार नर्सेज और ये का भी तुरंत हो रहा है, तुरंत जा रहा है, सब ज्वाइन कर रहा है। तो मतलब हमको लगता है कि देखिएगा 15 अगस्त से थोड़ा बहुत घटना शुरू हो जाएगा, अब सितंबर तक हमको लगता है रिकवरी रेट अभी जो 66% है, सितंबर तक रिकवरी रेट 80-90% रिकवरी रेट हो जाएगा। और इसका भी जो अभी डेली मान के 2500, 2600, 2800 ऐसे निकल जा रहा है, वो घट के 1,000 तक उस समय तक के नीचे आ जाएगा, तो 1,000 घट के पूरे बिहार में आ गया तो चुनाव में कोई बाधा। TSA यादव का कहना है कि डबल इंजन की सरकार है जो इस बार कोरोना में और बाढ़ में पूरी तरह से फेल हो गई। देखिए सब लोग कोरोना बाढ़ में तो जितना बढ़िया सक्सेसफुली केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी और नीतीश जी मिलकर जितना बढ़िया किए है, जितना बढ़िया संभाले देश की, इतनी बड़ी आबादी, कोई व्यवस्था नहीं है कोई उस तरह का जिस तरह से अमेरिका वगैरह में इतनी बड़ी व्यवस्था है,
क्या इतना रिच कंट्री, पूरे दुनिया को देखने वाला कंट्री और बाकी यूरोपियन कंट्री है, इतना आदमी मरा, इतना ये हुआ, उस हिसाब से क्या है? उस हिसाब से तो इंडिया में कुछ नहीं हुआ, यहाँ भी मरा, बाढ़ में भी, बिहार में भी कंपेरेटिवली बहुत कम हुआ है केसेस, उस हिसाब से केसेस हुआ, मृत्यु का मेन देखना चाहिए, ठीक हो जा रहा है, मृत्यु दर यहाँ तो बहुत कम है, उसमें भी जो मृत्यु हुआ है हमको लगता है 350 आदमी का करीब डेथ हुआ होगा, उसमें मेन कोरोना से 25-30 आदमी से ज़्यादा ऐसा जो खाली जो केवल कोरोना के चलते डेथ हो गया, बाकी किसी का हार्ट का प्रॉब्लम, किसी का किडनी का, किसी का कैंसर है, किसी का उसी तरह का डेथ हुआ है, 20-25 आदमी ऐसा होगा जो कोरोना को इग्नोर किया, जो होते रहा घर पर, ये करते रहा, दवाई खाते रहा, ये करते रहा, नहीं गया हॉस्पिटल, नहीं दिखलाया, नहीं टेस्ट करवाया, उसी से 25-30 आदमी का डेथ हुआ है, बाकी कोरोना यहाँ बहुत कंट्रोल में है। अब फ्लड का भी बहुत कर रहे हैं, अभी तो पैसा वैसा दे रहे हैं, लोग कहता था कि कोसी जो एरिया था जितना, इससे तो बहुत बड़ा फ्लड आया था कोसी में, वो तो उसके सामने ही कुछ नहीं है, जो कोसी में जो त्रासदी था वो आया था, उस समय लग रहा था कि पूरा एरिया ये सब तो अब एगो सीट नहीं, जेडीयू जीतेगा, ऐसे एनडीए जीतेगा, और वहाँ देखिए तुरंत इलेक्शन हुआ, वहाँ कास्ट बनावट भी दूसरे तरह का है, मधेपुरा और पूरा सहरसा कास्ट बनावट भी कोई बहुत अनुकूल, ज़्यादा अनुकूल आरजेडी का है, लेकिन सारे सीटें आरजेडी हार गया, कोसना बाढ़ के बाद सारा एनडीए जीत गया, वहाँ एकाध गो कहीं एका दुका कोई एगो दूगो सीट जीता पूरे पूरे कोसी में, तो काम यहाँ पर केंद्र सरकार भी बहुत मदद कर रही है इसमें, कोरोना और ये समय ये वगैरह में, फ्लड वगैरह में, और नीतीश जी बहुत सक्रिय हैं, मुख्यमंत्री बहुत सक्रिय हैं, डेली मॉनिटर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमको लगता है कि कोई किसी को आएगी प्राकृतिक आपदा है, तकलीफ तो होती है, तकलीफ तो मान ली कि कोई क्या कर सकता है, हम ही लोग यहाँ बैठे हुए यहाँ पर खड़े हैं, ठनका गिर जाएगा क्या कर सकते हैं, उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं, निकल नहीं पा रहे घर से, दौरा नहीं कर पा रहे, घर से निकलने की क्या जरूरत है, निकल के क्या करेंगे और कोरोना फैलाएंगे, निकल के वो निकलेंगे तो और हजारों की भीड़ हो जाएगी और कोरोना ना फैलाएंगे, जो ये कहता है कि आपको नहीं निकलने का, हम लोग रोज गांव में घूमने लगे बाढ़ में तो हम तो निश्चित रूप से 100-200 आदमी पीछे पीछे घूमने लगेगा, गाँव में बहुत लोग ना मास्क लगा रहे हैं ना ये कर रहे हैं, तो उस तरह से कोरोना को तो और बढ़ावे ना मिलेगा, काम हम वही करेंगे जो यहाँ बैठ के करेंगे, वहाँ जब बैठ के ज़्यादा बढ़िया से काम कर सकते हैं, हम तो कोरोना में जितना बैठ के काम किए हैं ना, जितना प्रोजेक्ट वगैरह यहाँ फ्री होके एकदम जितना अफसर उफसर से सबसे फोन पर जितना काम करते हैं, उतना तो कोई घूम के कोई काम ही नहीं कर सकते हैं उतना, तो पब्लिक को क्या चाहिए, काम ही ना चाहिए, जो सुविधा हो संकट आए उसमें हेल्प चाहिए आपका, ठीक है जाना चाहिए, फिजिकल जाना चाहिए, लेकिन फिजिकल जाना चाहिए ऐसे जाने, ये बहुत चीज़ के जाने से होता है, मोरल पुस्तक होता है, सब होता है, लेकिन अभी जाके तो हम ये नुकसान के बजाय कुछ कर नहीं सकते हैं, जाएंगे तो हम जाएंगे तो सब भीड़ लग जाएगा, 100 लोग इधर उधर, कोई डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं, सब लोग ये होगा मास्क उस बिना लगाए, 10 को पता चला कि और कोरोना उससे बढ़ गया लोगों को, ये करके। एक सवाल है, इस बार के विधानसभा में बहुत सारी नई पार्टी आई है, जैसे राजपा है, सब लोग पार्टी है, फौजी पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां आई हैं, क्या इन पार्टियों का अपने अपने दावे हैं कि हम हर हालत में इस बार जो एनडीए की सरकार है वो नहीं आएगी, हम लोग इस बार यहाँ काम करेंगे और नए चेहरे उभर के सामने आएंगे, नए युवा आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? अब कौन पार्टी का नाम बदला, इस पार्टी का नाम आज तक तो हम सुना ही नहीं है किसी का, कौन पार्टी है, कोई वो हम वो पार्टी बना लें कुछ करके, वो पार्टी बना लें कि मेरा ये ऑल इंडिया पार्टी का अध्यक्ष बन जाए, तो कोई हमारा ये जो है जो गाय को खिलाता है वो भी एगो पार्टी का अध्यक्ष है, वो बन जाए, वो बन जाए, तो उसमें क्या मतलब है उस पार्टी का, जीरो को कितना भी 100 को 0=0 ही ना होगा, उसका कोई ये नहीं ना है। अब बाढ़े में कितना कैंडिडेट है, किसका कोई पहचानता, के गो गाँव पूछ लीजिए, और क्या जितना कैंडिडेट है सब गाँव में लोग सब लोग पचों को आदमी पहचानता है हर गाँव में, जितने कैंडिडेट हैं उसको, अब हो सकता है लल्लू मुखिया को थोड़ा सा ज़्यादा जानता हो कि चाहे वो बाहुबली क्रिमिनल बैकग्राउंड और ये सब बैकग्राउंड मतलब थोड़ा बाहुबली ये सब रहे हैं, NTPC वगैरह में सब रहे हैं, तो थोड़ा हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा हो सकता है पहचान गया होंगे, नहीं तो और कैंडिडेट का जो नाम देख रहे हैं हमको तो बहुत फेसबुक पर जो बहुत तरह का कॉमेंट करके आता है कि इसको तो कोई 5 को ना गाँव नामों नहीं जानता है गाँव में, वो भी कैंडिडेट है। लल्लू मुखिया तो बीजेपी में ही है। लल्लू मुखिया बीजेपी में है जी, अरे वो नहीं लल्लू मुखिया, वो अनंत सिंह वाला, अनंत सिंह वाले बात कर रहे हैं वो, हाँ वो मुखिया ये लल्लू बेचारा, तो बीजेपी तो हम ही लाए हैं, हम ही
हमें टिकट विकट सब दिलवाए थे, हम इधर करवाए थे, जितवाने में मदद की। पुष्पम प्रिया चौधरी मुख्यमंत्री के दावेदार। अभी सबके नाम है ऐसे कहे ना कि हम उसी का तुलना आपको अपना गाय वाला से किए ना, वो इसी टाइप का ही सब भी है। ये सब मुख्यमंत्री के दावेदार ऐसे मुख्यमंत्री कोई हो जाता है, सब बात करते हैं। हम कहें कि ज्ञान हम प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाए, हमको पागले ना कोई कहेगा? हम कल होकर प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाए तो कोई पागले ना कहेगा? मुख्यमंत्री को हम MLA मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन हम वो भी पागल कहेगा? आज के दिन हम मुख्यमंत्रियों को सोचने लगे तो हमको पागले कहेगा सब पागले है। जब हम एक MLA हो के, सीनियर MLA हो के, अब पॉलिटिक्स में इतने लंबे समय से पॉलिटिक्स में है, अब डेगा डेगी 74 आंदोलन में ही डेगा डेगी से पॉलिटिक्स में है, जो हम नहीं सोच सकते हैं इतना मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं सोच सकते हैं, तो ये सब कौन? अनुपम प्रिया कौन? प्रिया इसको तो कोई जानबो नहीं करता है। कोई हम भी नाम सुने हैं, कोई ऐसे वीडियो में जरा सा आया तो हम नाम सुने हैं, नहीं तो अनुपम प्रिया कौन है? बहुत पता चलते करते करते बोला कि अरे वो तो विनोद का बेटी है। अब विनोद हम लोग का क्लोज है, विनोद चौधरी क्लोज रहा है, MLC रहा है साथ है, तो उसकी बेटी है, तब जाने कि उसकी बेटी के रूप में पहचान, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। तो अब इस तरह का मुख्यमंत्री बनने लगे रोड पर तो समझिए कि ऐसे ही मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसलिए हमको काम पर विश्वास है जनता का। हम आज तक बाढ़ में जात पात भेदभाव, रिक्शा वाला भी हमसे बात फोन पर, हम सबका फोन उठाते हैं, रिंग बैक करते हैं, कोई रिक्शा वाला भी फोन करता है, बात करते हैं, उसका भी समस्या का समाधान करते हैं। कोई गरीब से गरीब फोन करे ये आता कोई नहीं करता, जो आता है घर पर सबका काम करते हैं। महिला गरीब आ जाती है, कोई बहुत काम करके उसका काम भी कर देते हैं, 100-200 रुपये भाड़ा भी दे देते हैं उसको कि कहीं बेचारी गरीब आई है, कहाँ से आई होगी। हम किसी का जात उतना ही पूछते हैं कोई काम के लिए कि कहीं कि कौन जात का है, कौन ये का है। जो आया सबका, मेरे घर से कोई खाली नहीं जाएगा, जो आएगा काम जो हम पर बन पड़ेगा, हम कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी सब काम नहीं करवा सकते हैं तो हम कैसे करवा सकते हैं। लेकिन जो बन पड़ता है सबके प्रयास करते हैं, सबका काम करते हैं, सबकी सहायता करते हैं, इलाज से लेकर कितना आदमी को इलाज जो भी होता है, एडमिशन कहीं नहीं हो रहा है, तुरंत फ़ोन किए PMC सुप्रिटेंडेंट को, IGM सुप्रिटेंडेंट को, तुरंत मेरा कहने पर तुरंत होता है। तो अभी आपने सुना ज्ञानेन्द्र कुमार जी को, जो बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, इन्होंने बहुत सारी बातें कही, राजनीति की बातें की, कोरोना की बातें की, मुख्यमंत्री की बात की, नए चेहरे जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं उनकी बातें की है। ये अपने क्षेत्र के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, गरीब गुरबे से लेके कोई भी इनको फ़ोन करता है तो ये अपनी बात तो उनकी सुनते हैं और उन्हें सहयोग और सहायता करते हैं। चुनाव आने वाला है, अपने क्षेत्र में फिर से दौरा पे जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, वोट मांगेंगे। अब देखना ये होगा कि जनता इनको वोट दे के जिता के फिर से इनको बाढ़ विधायक का बनाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक आप देखते रहिए नेशन 24। नमस्कार।